तेरे रास खोल रहा हूँ, तेरा अच्छा बुरा पाप पुण्य सब तोल रहा हूँ, तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में ये सच खोल रहा हूँ, भगवान बोल रहा हूँ। MTV हसल पे सृष्टि तावड़े काफी ज्यादा छाई हुई है और बहुत से लोग हैं जो कि सृष्टि के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि लड़कों का रैप करना बहुत ही आम बात है, लेकिन हम अगर किसी लड़की को रैप करते हुए देखते हैं वो भी इस लेवल पे, तो ऑब्वियसली हम लोगों को उसके बारे में जानने का मन करता है, क्योंकि रैप तो हमने और भी लड़कियों को करते हुए देखा है, लेकिन सृष्टि शायद पहली ऐसी आर्टिस्ट है जो कि इतना ज़्यादा फेमस सिर्फ अपने रैप सॉन्ग की वजह से हो रही है, और शायद इसीलिए सृष्टि को लोग रैपिंग क्वीन के नाम से भी बुलाने लगे हैं, और रैपिंग की दुनिया में गर्ल्स फैन के लिए भी ये बहुत ही अच्छी बात है। सृष्टि की कहानी स्टार्ट होती है सन 2020 से, जब सृष्टि ने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी। सृष्टि का प्लान था कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वो कोई जॉब करेगी, लेकिन लॉकडाउन लगने के कारण वो कोई जॉब नहीं कर सकी और उन्हें घर में ही बैठना पड़ा। घर में काफ़ी दिनों तक बैठने के बाद सृष्टि को ये फील हुआ कि उसने ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर ली है, लेकिन उनके पास कोई भी जॉब नहीं है और ना ही पैसे कमाने का कोई रास्ता है। ये सोच सोच कर सृष्टि डिप्रेशन में जाने लगी थी। तभी उनको आइडिया आया कि क्यों ना कुछ लिखा जाए। उन्होंने कॉपी और पेन पकड़ा और बस लिखना स्टार्ट कर दिया। सृष्टि हर रोज पोएम और पोएट्री लिखने लगी थी। काफ़ी दिनों तक पोएम और पोएट्री लिखने के बाद सृष्टि को ये पता चला कि उनके अंदर भी एक टैलेंट छुपा था, जो कि था लिखने का, क्योंकि सृष्टि बहुत ही अच्छा पोएट्री लिखने लगी थी। ये बात उनको तब पता चला जब उसने अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को वो पोएट्री पढ़कर सुनाई। सृष्टि ने पोएट्री को काफ़ी अच्छे फ्लो में पढ़ा था, जिस कारण उनके दोस्तों को सृष्टि की पोएट्री काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। सृष्टि का पोएट्री काफ़ी अच्छा होने के कारण सृष्टि ने पोएट्री को बुक में भी छपवाना शुरू कर दिया। लोगों ने जब सृष्टि के पोएम और पोएट्री को पढ़ा तो लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तभी सृष्टि के दोस्तों ने सृष्टि को यह आइडिया दिया कि तुम्हें रैप करना चाहिए, क्योंकि ये रैप का समय है, ना कि पोएम और पोएट्री लिखने का। सृष्टि को उनके दोस्तों का आइडिया काफ़ी अच्छा लगा, जिसके बाद सृष्टि ने खुद के यूट्यूब चैनल पे रैप सॉन्ग अपलोड करना शुरू कर दिया। सृष्टि का रैप काफ़ी अच्छा होने के बाद भी सृष्टि को यूट्यूब पे कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। और मैगी का मैजिक मसाला, ज्यादा कुछ ये नहीं, टेंशन का चला, थोड़ा नमक डालेगा, थोड़ा चीज भी डालेगा, 5 मिनट के बाद तेरा पतीला जलेगा, उससे पहले उसे गैस से उतार देना भाई, एक बोल में लेके तू मुंह मार देना भाई, मेरे रैप से तो सीख लिया मैगी बनाना, अभी व्यूज मुझे स्वाद अनुसार देना भाई। सृष्टि ने अपने YouTube चैनल पे कुल 4 वीडियोस अपलोड किए थे, लेकिन उन सभी वीडियोस में डिसेंट व्यूज ही थे। तभी सृष्टि को यह पता चला कि रियलिटी शो हसल में ऑडिशन शुरू हो गया है, जिसके बाद सृष्टि भी रियलिटी शो में पहुंच गई और अपना ऑडिशन दिया। ऑडिशन अच्छा होने के कारण सृष्टि सिलेक्ट हो गई और अपने नए नए सॉन्ग के साथ नजर आई। सृष्टि की सबसे ज़्यादा फेमस सॉन्ग छोटा डॉन, मैं नहीं तो कौन और एक था कौवा जैसी सॉन्ग से हुई, जिसके बाद लोगों ने इन्हें रैपिंग क्वीन का भी नाम दे दिया। आज सृष्टि किस लेवल पे है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। सृष्टि जब से फेमस हुई है तब से इनके इंस्टाग्राम पे काफ़ी तेज़ी से फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। अभी इनके इंस्टाग्राम पे करीब 7 लाख के आसपास फॉलोअर्स हैं। हो सकता है कि आप जब ये वीडियो देख रहे हो तब इनके फॉलोअर्स की संख्या और बढ़ गई हो। तो ये थी दोस्तों सृष्टि तावड़े की लाइफ स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करें। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। डेमो रैप के लिए सर नोचने लगी हूँ, मैं हाथ में मोबाइल लिए सोचने लगी हूँ, बैठे बैठे सारा दिन खाना पीना किए बिन, कोने कोने में मैं टॉपिकों को खोजने लगी हूँ, लेकिन टॉपिक उठाना इतना इजी नहीं है, मेरी चॉइस देख क्लीशे या चीज ही नहीं है, तुझे होल्ड पे रखा है, बदतमीजी नहीं है बाबा, मेरे को टाइम दे थोड़ा, मैं थोड़ी बिजी है, सॉरी।